तो आर रेडियस पर रोटेट करेगा तो पॉइंट मास की इनर्शिया हो जाएगी इंटीग्रल डीएम, सॉरी पॉइंट मास की इनर्शिया हो जाएगी डीएम आर स्क्वायर, इंटीग्रेट कर दीजिए फॉर होल रिंग, आपको मिल जाएगा नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्लियर है? इसी को सॉल्व करते हैं तो आपको मिलता है एम आर स्क्वायर, सिंस दिस इज द मेन एक्सिस जिसको हमें याद करना है इसको बोलते हैं आई सी एम। ठीक है, अगर ये डिस्क होता तो डिस्क का पॉइंट मास एक रिंग होता है, मतलब अगर ये डिस्क है तो डिस्क इज एज्यूम्ड टू बी मेड बाई वेरियस कंसेंट्रिक रिंग, एक रिंग दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठवीं सातवीं आठवीं नवीं करते करते टोटल रिंग, यानी कि डिस्क का पॉइंट मास एक रिंग होता है, रिंग का पॉइंट मास एक पॉइंट होता है, रॉड का पॉइंट मास एक पॉइंट होता है, सॉलिड स्फीयर का पॉइंट मास डिस्क होता है, स्लाइस काटते चले जाइए पर स्लाइस इज डिस्क, हॉलो स्पाइकल सेल स्लाइस काटते चले जाइए रिंग निकलेगा, अरे हॉलो है स्लाइस काटते चले जाइए, ठीक है, या स्लाइस काटते चले जाइए तो आपको हॉलो है तो रिंग मिलेगा, सिर्फ पेरी पेरी मिलेगी, इसका मतलब है कि स्पेरिकल सेल का निकालने की कोशिश करेंगे तो रिंग एज अ पॉइंट मास लेंगे, सॉलिड स्फीयर के निकालने की कोशिश करेंगे तो डिस्क से या तो लीजिए और या तो उसको लेयर बाय लेयर छीलते जाइए, जैसे ओनियन एक लेयर दो लेयर तीन लेयर चार लेयर पांच लेयर सेंटर में चले, तो हमारे लिए ज्यादा आसान है कि सॉलिड स्फीयर इज एज्यूम टू बी मेड बाई थिन स्पेरिकल सेल, जैसे ओनियन लेयर बाय लेयर बाय लेयर सेंटर में चले गए, लेयर बाय लेयर बाय लेयर बाय लेयर करते करते बाहर आते आते पूरा साइज ग्रो कर गया, तो दिस मीन्स दैट सॉलिड स्फीयर को हम ये कह के सॉल्व करेंगे कि स्पेरिकल सेल इज इट्स पॉइंट मास, और स्पेरिकल सेल की निकालने के बाद आएगी तो रिंग इज अ पॉइंट मास, तो इस तरह से हर बार हम एक सेक्शन ऑन दैट बॉडी चूज करते हैं, उस सेक्शन की मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लिखते हैं, उसको प्रॉपर लिमिट में इंटीग्रेट करते हैं, अकॉर्डिंगली आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलती है। खास बात, अगर कोई शेप ऐसा है जिसका क्रॉस सेक्शन या टुकड़ा काटने पर किसी अदर शेप से कॉन्साइड कर रहा है तो उसकी इनर्शिया का फॉर्मूला आप इस्तेमाल कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल सिलेंडर का इनर्शिया नहीं पता आपको लेकिन स्लाइस काटने पर डिस्क निकल रहा है, अगर उस डिस्क की एक्सिस और सिलेंडर की पूरी एक्सिस अगर कॉन्साइड है, जैसे इस सिलेंडर को हम इस एक्सिस पर रोटेट कराना चाहते हैं इस एक्सिस पे, ठीक है, और ये रोटेशन में इन्वॉल्व है, हम जानना चाहते हैं व्हाट इज द इनर्शिया, तो जिस एक्सिस पर रोटेट कराना चाहते हैं तो उसके परपेंडिकुलर स्लाइस काटिए, आपको डिस्क मिलेगा, डिस्क की इनर्शिया होती हाफ एम आर स्क्वायर, पूरे सिलेंडर की इनर्शिया होगी हाफ एम आर स्क्वायर, अगर हॉलो होता तो एम आर स्क्वायर, यानी सॉलिड सिलेंडर अगर आप ले रहे हैं डिस्क, सॉलिड सिलेंडर डिस्क अबाउट दिस एक्सिस, तो एक्सिस के परपेंडिकुलर स्लाइस काटने पर डिस्क निकलता तो आप डिस्क की इनर्शिया का फॉर्मूला लगाते हाफ एम आर स्क्वायर, एम टोटल मास ऑफ द सॉलिड सिलेंडर है, अगर हॉलो सिलेंडर होता और ये अपनी इस एक्सिस पर रोटेट करने की कोशिश करता तो उस केस में आप जब स्लाइस काटते एक्सिस के परपेंडिकुलर स्लाइस काटते तो आपको दिखता कि रिंग निकल रहा है तो आप रिंग का रखते। खास बात, आप एक क्वार्टर सर्किल ले लेते, मतलब आपने एक डिस्क का सिर्फ हिस्सा लिया है, नॉट द ओवरऑल डिस्क, ऑफरिंग द मास एम एंड रेडियस इज आर, अगर इसको एक रोटेशन पूरा करा है तो आपको जो शेप दिख रहा है उस शेप की इनर्शिया लगा सकते थे, हमको जो डिस्क दिख रहा है आंसर इनर्शिया इज द हाफ एम आर स्क्वायर, हाफ इज द हाफ एम टोटल मास ऑफ डिस्क सेक्शन, अगर मैं ये कह देता कि ये डिस्क का चौथा हिस्सा है तो एम बाई फोर, और मैं कहता कि ये खुद एम है तो शेप रिजेम्बलेंस के हिसाब से हाफ एम आर स्क्वायर में एम इसका, अगर ये टुकड़ा है तो एम ढूंढना पड़ेगा, और ये खुद अपना मास अगर बता के रख रहा है तो जिस शेप से रिजेम्बल कर रहा है उस शेप की इनर्शिया लगाइए, अगर मैं कहता कि डिस्क का ये छठा हिस्सा है तो एम बाई सिक्स लेते इसका मास और हाफ एम आर स्क्वायर में रख देते, अगर मैं कहते कि नहीं नहीं ये एम मास लेके ही आया है, डिस्क का हिस्सा है लेकिन ये एम मास लेकर आया है, तो डिस्क बोल देने से इनर्शिया फिक्स हो गई हाफ एम आर स्क्वायर, यानी जो जिस शेप से रिजेंबल करता है उस शेप की इनर्शिया को फॉलो कर लेता है, अंतर से कितना है कि इसका अपना मास वहां रखा जाना चाहिए, ठीक है, आ जाइए आप इनर्शिया निकालना जान गए, तो कितनी इनर्शिया आपको याद करनी चाहिए, मोस्टली पांच या छह इनर्शिया याद करनी चाहिए, रिंग की, डिस्क की,
रॉड की हॉलो स्पैरिकल सेल की जो कि 2 बाई 3 एम आर स्क्वायर आता है, सॉलिड स्पीयर की जो कि 2 बाई 5 एम आर स्क्वायर आता है, बाकी डिफरेंट एक्सिस वाली तो हम लोग अभी कमांड कर लेते हैं कि एक्सिस बदलेगी तो हम लोग निकाल लेंगे। उसके अलावा आपको ट्रायंगुलर लैमिना, स्क्वायर लैमिना, पिरामिड, ठीक है, ट्रायंगल, इन सबका भी आना चाहिए। तो उसको निकालने के लिए ट्रिक दी गई है आपको, तो पहले थ्योरम देख लेते हैं तब हम वहां पहुंचेंगे, क्योंकि बिना थ्योरम के काम नहीं हो पाएगा। इसका मतलब है हमने एमआई निकालने के बारे में जाना, हमने निकाला तो नहीं सारा एमआई, लेकिन बात समझ में आ रही है कि एमआई निकलता कैसे होगा। हम लोगों को एमआई का इस्तेमाल करना सीखना है। तो एमआई के इस्तेमाल करने में जाने से पहले हम थ्योरम देख लेते हैं। दो थ्योरम है, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस एंड थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। लेट अस कमांड थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस सभी के लिए लगता है, 1D, 2D, 3D। क्यों? जब दोनों थ्योरम पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। मतलब व्हाटएवर बी द शेप एंड लीनियर हो, चाहे सुपरफिशियल हो, चाहे वॉल्यूमेट्रिक हो, पैरेलल हर जगह लगता है। बस ये यही कहता है कि अगर आई सी एम आप घूम चुके हो और कोई एक्सिस आपको उसके पैरेलल दिखने वाली है, पासिंग थ्रू बॉडी और पासिंग आउटसाइड द बॉडी, इससे नहीं मतलब है। मतलब एग्जैक्टली पैरेलल टू आई सी एम है, तो नेट इनर्शिया कैन बी फाउंड बाय सॉल्विंग आईसीएम प्लस एमएच स्क्वायर। आईसीएम पुरानी इनर्शिया, एम टोटल मास ऑफ द बॉडी एज्यूम टू बी कंसंट्रेटेड एट सेंटर ऑफ मास, एंड एच द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू एक्सिस। फॉर एग्जांपल, अगर ये कोई भी बॉडी थी और आपको पता था कि ये सेंटर ऑफ मास है, टोटल मास यहाँ कंसंट्रेट है, और इस एक्सिस पर आपको इनर्शिया पता थी, कोई भी एक्सिस अगर इसके पैरेलल है, कोई भी इन द बॉडी और आउटसाइड द बॉडी, इससे कोई मतलब नहीं है। अगर ये बॉडी इस एक्सिस पर घूमती, ठीक है, इन स्पाइट ऑफ दिस, अगर इस पर घूमने वाली है, इस पर, तो कहा गया कि इस नई एक्सिस पर जो इनर्शिया आएगी वो पुरानी वाली ले लीजिए प्लस टोटल मास मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर सेपरेशन बिटवीन द टू एक्सिस। अगर इनके और इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस h है तो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलने वाली है, इस एक्सिस पर मिलने वाली है, द ओल्ड इनर्शिया प्लस टोटल मास इनटू स्क्वायर ऑफ द सेपरेशन। फॉर एग्जांपल, अभी आपने रॉड के लिए देखा कि इस एक्सिस पर इनर्शिया आई थी ml स्क्वायर बाई 12 आई थी। हमने कहा नहीं, इस पर नहीं, इस पर घुमाएंगे, लग गया थ्योरम ऑफ पैरेलल। इस नए पर जब आएंगे तो पुरानी पूरी इनर्शिया कंसीडर कीजिए प्लस टोटल मास एट सेंटर ऑफ मास, एम हो जाएगा, इनटू स्क्वायर ऑफ द सेपरेशन, एल बाई टू है, एल बाई टू का स्क्वायर, एल स्क्वायर बाई 4, ठीक है, तीन ऊपर तीन नीचे मल्टीप्लाई कीजिए तो नीचे 12 कॉमन हो जाएगा, 3 × 4 4 ml स्क्वायर बाई 12 आ गया 1/3। क्यों? सही है। अगर मैंने कहा कि दिस इज अ रिंग, इस पर इनर्शिया एम आर स्क्वायर है, तो ऑब्वियसली इस पर इनर्शिया 2 ml स्क्वायर हो जाएगा, पुरानी प्लस टोटल मास हियर मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर ऑफ द सेपरेशन। अगर ये डिस्क है, डिस्क हमें पता था इनर्शिया ऑफ द हाफ एम आर स्क्वायर, और अगर मैं कहता इसके पैरेलल एक एक्सिस एज से पास हो रही है तो ऑब्वियसली 3/2 एम आर स्क्वायर हो जाता। आसान थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। तो बस इतना ही ना कि अगर आपको दिख गया पैरेलल है तो पुरानी इनर्शिया पूरी उठा लीजिए प्लस टोटल मास एट सेंटर ऑफ मास इनटू स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर सेपरेशन बिटवीन द मास, ये उठा लीजिए। अब जरा क्वेश्चन के बारे में देखिए, तो क्वेश्चन के बारे में देखिए, ध्यान से देखिए, ये एक डिस्क है, ठीक,
आपको पता है इसको अगर मैं पॉइंट वन कह लेता और इसको मैं पॉइंट टू कह लेता और हमेशा एक्सिस ये बोर्ड में है तो बोर्ड इस पर, तो आपको पता है कि आई वन आप क्या लिखते, हाफ एम आर स्क्वायर लिखते, और अगर आई टू लिखना होता तो ऑब्वियसली प्लस एम आर स्क्वायर और लिखते आप, यानी इस पर अगर घूमता बॉडी तो आई टू आप ये वाला एनर्जी हाफ एम आर स्क्वायर प्लस टोटल मास हियर इनटू स्क्वायर ऑफ सेपरेशन आप लिख लेते 3/2 एम आर स्क्वायर। तो जरा मुझे बताइए अगर इतना मैंने जस्टिफाई कर दिया, आईआईटी 2018 की प्रॉब्लम है, एक बोर्ड में है ये दस बोर्ड मतलब बोर्ड के प्लेन में है, यानी ये परपेंडिकुलर आपको दिख रहा है, एक टिक्का अगर बोर्ड पर रखा है तो ऐसे ही तो रखेंगे बोर्ड में, ठीक है, और छठ और है, एक दो तीन चार पांच और छह दिख रहा है सब, ये सब आइडेंटिकल है, डिस्क सेट कर दिए तो डिस्क हो गया ना, खाली छोड़ते तो रिंग होता, ये इसके अबाउट इनर्सिया बताइए, इसके अबाउट सबका मास एम रेडियस आर बताइए, इस पर हाफ एम आर स्क्वायर 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 हम इस पर घुमा रहे हैं, बताइए मौखिक नहीं निकलेगा, कॉपी पेन उठाइए, क्या सोच रहे हैं यही बता दीजिए हमको, ठीक है, सही है, स्टेप टू, स्टेप थ्री, टोटल मास ही अभी इधर 7 m और उठा के जंप करा दीजिए, इज द राइट वे, सही सोच रही है, इसका मतलब है इसका हाथ हमारा स्क्वायर, इसको कुदाइए इस पर, तो हाफ हमारा स्क्वायर प्लस m इंटू 2 r का स्क्वायर, यानी इसकी इनर्सिया यहां जब ट्रांसफर करेंगे तो हाफ एम आर स्क्वायर प्लस इसका मास इंटू यहां से यहां 2 r का स्क्वायर 1, 2, 3, 4, 5, 6 बार क्यों, अब प्लस एक तो अपना खुद ही संभाल रहा है, इसका तो अपना खुद ही का हाफ एम आर स्क्वायर इसके पास है, क्लियर है ये इतना क्लियर हुआ, प्लस टोटल मास एट सेंटर, अब इसको उठा के यहां ट्रांसफर कीजिए तो टोटल मास ये 7 m इंटू दिस स्क्वायर 3 r 1 r 2 r 3 r क्लियर, ये इतना निकल गया पूरे का अबाउट दिस, और अब इसको जब कुदाएंगे इस पर तो पुरानी इनर्सिया अबाउट दिस इज ये प्लस 7 m अब मल्टीप्लाइड बाई 3 r का स्क्वायर, जानते हैं बच्चे क्या सोच रहे थे, ऐसे कह रहे थे सर इस पर निकाले हाफ एम आर स्क्वायर एम आर स्क्वायर 3/2 m r² इस पर निकाले हाफ एम आर स्क्वायर जब इस पर ट्रांसफर किया 3/2 m r² ए भैया ये डिस्टेंस बराबर है, ये बराबर है नहीं है, ये सब अलग अलग हो गया, तो उनका सोचना ये था कि सबका उनके सेंटर में निकाल के सब ट्रैक मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर कहां निकलेगा, ये डिस्टेंस आपके पास क्या निकालना, ये मतलब विद इन टाइम की बात करें, बस कर तो दिन भर दे दिया निकाल ही लेंगे काम बात के किसी तरीके से, ठीक है, लेकिन एट अ ग्लांस तो नहीं निकलेगा ना, तो सबसे आसान तरीका क्या था, इसका इनर्सिया इसका 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 सबको कॉमन सेंटर आप मास पे लेके आइए, अब ये पूरे स्ट्रक्चर की इनर्सिया अबाउट दिस पता चल गई, अब इसमें उठा के आप एक्सिस यहां ट्रांसफर कर रहे हैं तो पूरे बॉडी का इनर्सिया इसमें पता चल चुका है प्लस टोटल मास एट सेंटर ऑफ मास तो 7 m अब मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर ऑफ द सेपरेशन, देखिए कुछ आएगा 181/184 टाइप का कुछ, मतलब लंबा सा आता है, सिंपल नहीं आंसर आएगा, 151/185 या 174/183 कुछ ऐसे ही आएगा आंसर, तो बात है समझ में तो आ रहा ना, नहीं काटना नहीं था होल मतलब फ्रैक्शन में छोड़ देना था,
डेसिमल में नहीं काटना है आपको, वो ऐसे ही था कुछ। बात तो समझ आ रही है कि थ्योरम ऑफ पैरेलल का सबसे अच्छा एप्लीकेशन ये था, और भी आएंगे नो डाउट, लेकिन ये सबसे अच्छा एप्लीकेशन था। तो थ्योरम ऑफ पैरेलल लगाने आ गए, चलिए थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर लगाया जाए। तब आपको फिर हेयर फिर सिखाते हैं डिफरेंट एक्सिस का, क्योंकि आपको क्या लग रहा है कि सीधे सीधे आपको दिखा दिया जाएगा क्या कि पैरेलल एक्सिस है। आपको एक ऐसी एक्सिस के अबाउट पूछ दिया जाएगा, आप समझ ही नहीं पाएंगे कि पैरेलल है कि परपेंडिकुलर है। कूदते फांदते जब पहुंचेंगे कुछ, किसी के पैरेलल, किसी के परपेंडिकुलर, किसी के पैरेलल, किसी के परपेंडिकुलर, यानी मल्टीपल स्टेप इन्वॉल्व करके वहां पहुंचेंगे। तो कई बार आप पैरेलल और कई बार आप परपेंडिकुलर यूज कर चुके होंगे, डायरेक्ट आप एंट्री नहीं ले पाएंगे। सो हमें देखना चाहिए थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। इसी तरह कोण का आएगा 3/10, 3/20, ये सब आपको मिला हुआ है, देख लीजिएगा एक बार। निकालना नहीं है अब, बस आपको याद करना है कि किस बॉडी का किस एक्सिस पर कितना होता है, क्योंकि हमें न्यूमेरिकल कमांड करना है। अगर हम इनर्शिया ही निकालने लग जाएंगे तो फिर तो न्यूमेरिकल लगाने का टाइम ही नहीं मिलेगा। हाँ, कोई अगर आपको बना के क्वेश्चन दे रहा है तो उसमें इनर्शिया ही पूछ रहा है आपसे, तो इनर्शिया निकालिए फिर, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर हम थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस की बात करें, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, तो ये 2D के लिए लगता है ना, 1D के लिए ना, 3D के लिए, सिर्फ 2D के लिए, मतलब लैमिनास के लिए लगेगा, ठीक है, प्लेनर लैमिना, लैमिना। ऐसा इसलिए कि ये कहता है कि बॉडी में दो परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट इनर्शिया का सम उस थर्ड एक्सिस के अबाउट इनर्शिया को रिप्रेजेंट करेगा जो बॉडी के बाहर है। मैं इस पाम को इससे ज्यादा आसान है समझाना, अगर मैं एक ये पेपर ले लूं तो दिस इज अ रेक्टेंगुलर लैमिना, ये रेक्टेंगुलर लैमिना है, एक एक्सिस इन द प्लेन, एक्स एक्सिस कह लीजिए, दिस इज द वाई एक्सिस, दिस इज द एक्स एक्सिस एंड दिस इज द वाई एक्सिस, एक एक्सिस बाहर आ गई ना। जो दो परपेंडिकुलर एक्सिस हैं इन बॉडी, दैट इज ये ऐसे रोटेट कर सकता है, आई एक्स इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस, ये ऐसे रोटेट कर सकता था, इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस, ठीक है, ये ऐसे भी तो रोटेट कर सकता है, इससे रोटेट कर इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस। प्लेन में सिचुएटेड परपेंडिकुलर इनर्शिया का सम बाहर वाली एक्सिस पर इनर्शिया के बराबर होता है। अगर मैं कहता है कि इसकी इनर्शिया 1 है, इसकी इनर्शिया 2 है, तो इस पर इनर्शिया 3 हो जाती है। यानी कि जिस प्लेन में बॉडी होती है उस प्लेन की दो परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट इनर्शिया का सम थर्ड एक्सिस के बराबर होता है। यानी अगर एक्स वाई प्लेन में बॉडी है तो आई एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू आई जेड। अगर एक्स जेड प्लेन में है आई एक्स प्लस आई जेड इज इक्वल टू आई वाई, तो ये डिसीजन लेना पड़ेगा कि जो प्लेन लैमिना है वो किस कोऑर्डिनेट में कंफाइन है, एक्स वाई में कंफाइन है कि वाई जेड में कि एक्स जेड में। अगर आपको पता चल गया कि जिन दो एक्सिस में कंफाइन है वो एक्स जेड है, तो कंफर्म है थर्ड एक्सिस जो बाहर आएगी वो वाई एक्सिस होगी। तो ये 3D तो हुआ नहीं, एक एक्सिस हमेशा बाहर निकलनी चाहिए, उसमें 2D 3D 1D का बाउंडेशन नहीं था। उसमें हमेशा था कि जब भी पैरेलल दिखा, ICM के पैरेलल दिखा, यहाँ परपेंडिकुलर नहीं, यहाँ क्या देखना है कि क्या कोई एक्सिस ऐसी है जो परपेंडिकुलर टू टू परपेंडिकुलर एक्सिस है एंड आउट ऑफ द बॉडी है। यानी बॉडी में दो परपेंडिकुलर एक्सिस ढूंढिए और उनके परपेंडिकुलर थर्ड एक्सिस बॉडी के बाहर आनी चाहिए, बॉडी में नहीं रहनी चाहिए। तो फिर अगर बॉडी वॉल्यूमेट्रिक है तीन एक्सिस तो कंफाइन हो जाएगा बॉडी में, वॉल्यूम कंटेन करिए तो तीनों कंफाइन हो जाएगा ना, तो फिर नहीं लगेगा परपेंडिकुलर, यही ध्यान रखना है। और 1D होगा तो भी नहीं लगेगा क्योंकि बॉडी में दो परपेंडिकुलर बनेगा ही नहीं, क्लियर है। इसीलिए फिक्स है ये कि सिर्फ प्लेनर लैमिना के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दिस मीन्स दैट अगर मैं आपसे कहता कि एक बॉडी एक्स जेड प्लेन में है, दिस इज एक्स, दिस इज जेड एंड दिस इज वाई,
और मैं कहता बॉडी इज लाइंग इन एक्सजेड प्लेन, तो जब बॉडी एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट करती तो ऑफर्स द इनर्सिया आई एक्स, जब जेड के अबाउट रोटेट करती तो ऑफर्स द इनर्सिया आई जेड, तो जब वाई एक्सिस पर रोटेट करती तो ऑफर्स द इनर्सिया आई वाई। जिस एक्सिस में कंफाइन है, जिन दो एक्सिस में, उन दो एक्सिस के लिए, अच्छा खास बात है ये एक्सिस एनीवेयर भी नहीं है, ये एक्सिस पासिंग थ्रू कॉमन सेंटर ऑफ मास है। ये भी नहीं है कि वो तीनों एक्सिस कहीं से खींच लेंगे, यानी कंफर्म है सेंटर ऑफ मास को ओरिजिन मान के तीन एक्सिस खींचिए, दो बॉडी में ही रह जानी चाहिए, एक बॉडी के बाहर आ जानी चाहिए। जो बाहर आ गई उस पर इनर्सिया सम हो जाएगी टू दोज जो बॉडी में ही रह गए, क्लियर है। तो इस तरीके से आपके पास यहां आ गया आई वाई इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई जेड, दो कंडीशन बाउंड है, तीनों का इंटरसेक्शन कॉमन होना चाहिए और तीनों का इंटरसेक्शन बॉडी के सेंटर ऑफ मास से होकर जाना चाहिए, तब आप लगा पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं हम कहते कि हम बॉडी को दिस इज बी फॉर ब्रेथ एंड दिस इज एल फॉर लेंथ, हम कहते इस पर जब बॉडी को घुमाएंगे तो इनर्सिया है एम बी स्क्वायर बाई 12, और हम कह रहे हैं जब हम इस पर घुमाएंगे तो इनर्सिया है एम एल स्क्वायर बाई 12, हम कह रहे हैं नहीं हम तो इस पर घुमाएंगे, तो लग जाएगा ना एम एल स्क्वायर बाई 12 प्लस एम बी स्क्वायर बाई 12 इज इक्वल टू द आई। द आई मीन्स वो एक्सिस जो बाहर निकल गई, क्योंकि अगर दिस इज द लैमिना तो एक ये खींची है हमने, ये जो टेढ़ा खींचा है वो ये है, और दूसरी ये खींच रखी है हमने दिस, और तीसरी जिस पर बात कर रहे हैं वो ये है, हो गया कि नहीं हो गया। तीनों एक्सिस परपेंडिकुलर है, पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास है, दो उस प्लेन में ही है जिस प्लेन में, दो उस प्लेन में ही है जो प्लेन है, ठीक है। तो यहां हमारे पास इस एक्सिस पर अगर घुमाने की कोशिश करें तो आप लेते हैं एम एल स्क्वायर बाई 12 प्लस एम बी स्क्वायर बाई 12, क्लियर है। अब आप कुछ एग्जांपल ले लीजिए एक आध दो, तो फिर देखते हैं कि और क्या कर सकते हैं। ये क्वेश्चन शीट में है, मान लेते मैं आपसे कहता कि दिस इज अ एक्स एक्सिस, दिस इज अ वाई एक्सिस, और मैं आपसे कहता कि दिस इज अ डिस्क, डिस्क ऑफ मास एम रेडियस आर, और मैं कहता दिस इज एट अ ट्वाइस आर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, ठीक है। मैं कहता कि दिस इज रोटेटिंग लाइक दिस, ये ऐसे रोटेट कर रहा है ऐसे, ठीक है, एक हाथ में सिक्का पकड़ ले और घुमाए ऐसे ऐसे, तो पूछ रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्सिया कितना। अब आप सोचिए कि अगर आपको हम सोचवाएं अगर हम आपको सोचवाएं तो ये स्ट्रक्चर बना हुआ है ना, ये देखिए, अगर ये ऐसे घूमता, ये देखिए ऐसे घूमता ऐसे, तो एम आर स्क्वायर बाई 2 ना, क्यों ये एम आर स्क्वायर बाई 2, ठीक है। और अगर ये इस पर घूमता तो देखिए,
अगर इस पर घूमे तो, इस पर घूमे तो ये ना, ये देखिए, ये देखिए दिख रहा है ये, मतलब इस पर घूमे तो, इस पर घूम रहा था ना, तो एम आर स्क्वायर बाई टू, इस पर घूमे तो, सोचिए तो आप, जब ये ऐसे था देर, तो इनर्शिया था हाफ एम आर स्क्वायर, एक एक्सिस ये खींच जाएगी, एक एक्सिस ये खींच जाएगी, दो डायमीटर मान लिया आई, मान लिया आई, टू आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई टू, वन बाई फोर एम आर स्क्वायर, मतलब जब ये इस पर घूमने की कोशिश करेगा, इस पर डायमीटर पर, यानी ये डायमीटर हो गया ना, ये तो डायमीटर हो गया ना, इसका मतलब वन बाई फोर एम आर स्क्वायर प्लस एम इंटू टू आर का स्क्वायर, यानी कितनी बार आपको सोचना पड़ रहा है, आपको सोचना पड़ रहा है स्टेप वन ऐसे घूमता तो, क्लियर है आईसीएम, फिर ऐसे घूमता तो, क्लियर है डायमीटर, अब फिर ना आप इस पर आएंगे हाफ एम आर स्क्वायर, वन बाई फोर एम आर स्क्वायर, वन बाई फोर एम आर स्क्वायर प्लस एम एट हियर मल्टीप्लाइड बाई टू आर का स्क्वायर, क्लियर है, इस तरीके से आपको सोचना है। आ जाइए, अगर मैं कहता दिस इज वन डेस्क, देखते रहिएगा, दिस इज अनदर डेस्क, ठीक है, एंड दिस इज फर्दर अनदर डेस्क, ठीक है, ये एंड दिस इज द एक्सिस अबाउट विच दे आर रोटेटिंग, मास एम, मास एम, मास एम, रेडियस आर, रेडियस आर, रेडियस आर, और ये डिस्क है सब, ठीक है, तो सबसे पहले इनर्शिया ये रटे है ना, हाफ एम आर स्क्वायर, वन बाई फोर एम आर स्क्वायर, आर स्क्वायर, हाफ एम आर स्क्वायर, वन बाई फोर एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर, फाइव बाई फोर एम आर स्क्वायर, इसका भी फाइव बाई फोर एम आर स्क्वायर, इसका हाफ एम आर स्क्वायर, वन बाई फोर एम आर, फाइव बाई फोर, फाइव बाई फोर, वन बाई फोर, पांच पांच दस, ग्यारह बाई चार, समझ में आने लगा, नहीं समझ में आता, कूदना है बता, कूदते कूदते चला जाता, मीन्स ये वाला रटे, ये वाला हाफ एम आर स्क्वायर, इस पर आए तो वन बाई फोर एम आर स्क्वायर, और जब इस पर आए तो वन बाई फोर एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर, इसका निकल गया, इसका भी इतना ही आएगा, वन बाई फोर एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर, लेकिन इसका, इस पर घूमता तो हाफ एम आर स्क्वायर, और इस पर करते ही वन बाई फोर एम आर स्क्वायर, वन बाई फोर क्यों हो जा रहा है, ये और ये दो हो जाएंगे ना, इक्वेटेड टू दिस, तो इस पर घूमता तो आई, इस पर घूमता तो आई, यानी टू आई हो गया परपेंडिकुलर, इक्वेटेड टू फर्दर परपेंडिकुलर, ठीक है, मतलब इसका हो जाएगा वन बाई फोर एम आर स्क्वायर, सब ऐड होगा ना, तो हो जाएगा चार चार आठ नौ दस की ग्यारह, अलेवन बाई फोर एम आर स्क्वायर, आप देख सकते हैं, यानी आंसर इज द अलेवन बाई फोर एम आर स्क्वायर, क्लियर है। अगर मैं कह देता आपसे अबाउट दिस बताइए तो, अब आपको पता है कि इसका इनर्शिया, अरे वैसे आप सोच लीजिए, मान लेते हैं आप क्या कीजिए, आप इनके सेंटर को ज्वाइन कर लीजिए तो ट्रायंगल बन गया, यहां से ये डिस्टेंस निकालिए, क्यों, इसका हाफ एम आर स्क्वायर, इसका हाफ एम आर स्क्वायर, इसका हाफ एम आर स्क्वायर, कॉमन सेंटर ऑफ मास एन यहां जब ट्रांसफर करेंगे तो हाफ एम आर स्क्वायर प्लस एम इंटू दिस, दिस इज द, दिस इज द टू आर, दिस इज द टू आर, दिस इज द टू आर, एंड दिस इज द मीडियन, ए रूट थ्री बाई टू का टू थर्ड, कठिन हो गया ना, तो इसका मतलब है कि इसको वन कह लेते तो वन का खुद का तो आ जाता हाफ एम आर स्क्वायर, अब प्लस एम और इनटू, अब ये चाहिए ना, ये नहीं, सेंटर ये है, तो ये हो जाएगा
ए रूट थ्री बाई टू का टू थर्ड, तो ए बाई ए रूट थ्री बाई टू, ए रूट थ्री बाई टू का टू थर्ड में ए कितना है, टू आर ना, कितना आएगा, टू आर बाई रूट थ्री, ये आ गया, तो ये हो जाएगा टू आर बाई रूट थ्री का होल स्क्वायर। एक का निकलाना है, हाँ एक दो तीन ठो है ना, तीन ठो है ना, एक मिनट देखते रहेगा, इंटू थ्री प्लस इस पर निकला ना। अब यहां से दो एक्सिस सोचिए, दो एक्सिस का मतलब है कि एक एक्सिस आप ऐसे सोच सकते हैं ना, चलिए मान लेते हैं यहां निकल चुका है, अब इसको ट्रांसफर कर लीजिए, लेकिन अगर यहां ट्रांसफर कर लेंगे तो एक परपेंडिकुलर एक्सिस नहीं लगा पाएंगे आप, पूछिए क्यों, क्यों नहीं लगा पाएंगे, पैरेलल क्यों, अच्छा इसके पैरेलल, अच्छा तो यहां ऐसे निकाल चुके तो इसका परपेंडिकुलर निकाल लेना, तब ये निकला ना, ये निकला, तो अगर ये निकला तो वो तभी भी ऐसा नहीं पाए हम, क्यों नहीं पाया, जब इस पर निकाल लिए ये तो इस पर ले जाएंगे तो जानते क्या दिक्कत है, इस पर लाएंगे तो फिर ये और ये दो एक्सिस खींचनी पड़ेगी, दोनों एक्सिस सिमेट्री नहीं है कि है, देखिए जरा तो नहीं है, है, है देखिए, एक से एक पाड़ा दो का टेंजेंट, और जब ऐसे खींच रहे हैं तो एक का सेंटर दो का टेंजेंट, ठीक है चल गया काम चल गया, यानी जब ये इनर्शिया इस पर निकली ना, ये भाई एक है और दो का टेंजेंट हो गया ना ये, और जब इसका परपेंडिकुलर ये खींच रहे हैं तो ये इसके सेंटर से जा रहा है, इन दोनों का टेंजेंट हो गया ना, तब ना दोनों पर आई और आई मानेंगे, माना इस पर इनर्शिया आई, माना इस पर इनर्शिया आई, तो आई प्लस आई टू आई इज इक्वल टू दिस, हो गया ना, यानी इसका आधा कर देंगे तो किस पर चले आएंगे, इसका आधा कर देंगे तो आ जाएंगे इस पर या इस पर, ये तो चाहिए नहीं हमें, क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि इसी के पैरेलल है ना ये टेंजेंट है, तो फिर अब क्या हो जाएगा, इसको जब जंप कराएंगे तो इस पर ही ना, इसका आधा कर देंगे, इस पर आ गए प्लस टोटल मास थ्री एम और इंटू दिस, हाँ कठिन होता जा रहा है ना ये टू आर, इससे आसान ऑप्शन भी था पहले सोच, और भी सोच जब नहीं कि हमारे मैसेज आप लगा है, इससे आसान ऑप्शन क्या था, ये था, ये इन दोनों का टेंजेंट है और इसका तो डायमीटर है ना, क्यों इसका डायमीटर हो गया ना ये, तो इसका हो जाएगा 1/4 और इसका ये टेंजेंट हो जाएगा, ये होता हाफ एम आर स्क्वायर, 1/4 एम आर स्क्वायर, 5/4 एम आर स्क्वायर, इसका भी 5/4 एम आर स्क्वायर, इसका 1/4 एम आर स्क्वायर, भी तो जंप कर लेते सीधे, ज्यादा आसान था ना, उस किसी की चीज से तो अच्छा ही था, मतलब सोच पाने की बात है कि वही निमेरिकल कठिन हो सकता है, वही निमेरिकल आसान हो सकता है, प्रैक्टिस करके ये ज्यादा आसान हो गया ना, इसमें कोई चांस नहीं आ जाता इसका, अगर ये डिस्क है तो इसका हो जाता है यहाँ पे हाफ एम आर स्क्वायर, ये हो जाता है 1/4 एम आर स्क्वायर, और इस पे ट्रांसफर के लिए हम इधर भी ट्रांसफर कर सकते थे, तो इसका काम खत्म हो जाता, खाली उसका रह जाता, लेकिन कष्ट होता, अभी कष्ट कैसा, हाई निकालने में दिक्कत हो सकता था ना, वो निकालने में दिक्कत हो सकता था, पता नहीं सेंटर टू सेंटर क्रॉस होकर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, कौन गारंटी है, तो हम क्या करते कि हम इसको भी इस पर ट्रांसफर कर देते, इसको भी ट्रांसफर कर देते, इसको भी ट्रांसफर कर देते, और इसके पैरेलल जब इसको खींचते तो हो जाता ना ये सेंटर आप मार्च तो जाता, ठीक है, तो ये आईसीएम का काम करना शुरू कर देता, तो उठा के ये ज्यादा आसान रह सकता, तो हम डिफरेंट कॉम्बिनेशन डिफरेंट काइंड, हमने अभी आइडेंटिकल शिपिंग बताई आपको, अन आइडेंटिकल नहीं बताई अभी, अभी हमने टेनोमेरिक बॉडी की स्ट्रिकिंग नहीं की है, हमने बताया कि एक ही बॉडी को रिपीट कर देना है इधर उधर और एक्सिस अब कूदाना शुरू कर रहे हैं, अब आपको बताना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यहां से आपको हम ट्यूजडे से बताएं, ठीक है, शीट मिल गई आपको, आप लगाना शुरू कर दीजिए, जो डाउट होगा पूछेगा ऐसा।